हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं तो बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। मेरी स्थिति आप लोग देख रहे हैं। तो कल का जहाँ से ब्लॉग एंड किया था वहीं से स्टार्ट किया आइडिया। कल नहीं आया था क्योंकि कल मेरी स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी। मैं उठती थी तो मेरा सर चकराता था, इसीलिए कल नहीं आ पाया डियर, इसीलिए माफ़ करिएगा। आज आपको थोड़ा लेट से मिल रहा है। तो यहाँ पर ये मलाई मैंने निकाला है और ये जो परवल है इसको मैं खुले में रखती हूँ तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। दो तीन दिन, दूसरे तीसरे दिन ही सॉफ्ट होने लगता है फ्रिज में भी। तो ये एयर टाइट कंटेनर है। और ये जो आम लिया था कच्चा आम, तो इसको अब मैं गुड़म्बा बनाऊँगी। और बिहार में ये सब हम लोग की तरफ जो है इतना स्वादिष्ट बनता है और इतना अच्छा लगता है रोटी के साथ खाने में। मैं प्रयास करूंगी इसकी रेसिपी शेयर करने की। तो पहले मैं यहाँ पर सारे परवल को दिखा रही हूँ मैं आपको। सॉफ्ट हो गया है। तो मैंने सोचा कि एयर टाइट कंटेनर में रख के देखूँ क्या परिणाम आता है। तो जो परिणाम आएगा उसको अगली वीडियो में बताऊँगी, क्योंकि इस वीडियो में तो मैं रखूँगी ही। तो देखती हूँ, अगर इस तरह से फ्रेश और ताज़ा रह जाए तब तो बहुत अच्छी बात है, और एक साथ मैं काट के रख भी दूँगी। तो डियर, हम लोग ये बात करने वाले थे पिछले वीडियो में कि क्या क्यों सब्जी था, फिर भी हमने सब्जी खरीदी। और ये देखिए इतना काटा है, और देखती हूँ ये इसकी स्थिति क्या रहती है, ये सॉफ्ट होता है या नहीं होता है। और ये शाम के लिए इतना था मैंने रखा है, अभी बनाऊंगी। तो बात ये थी डियर की सब्जी वगैरह जो काट के मैं रख रही हूँ, कल सुबह आने वाले हैं मेरे जेठ और उनका लड़का, भी बताया था मैंने। और यहाँ पर अभी रात नहीं हुआ है, शाम भी नहीं हुआ है, मतलब दोपहर में बाबू को सुलाती हूँ, फिर मुझे लगता है मैं क्या कुछ कर लूँ। कभी कभी ऐसा होता है फ्रिज में भी दूध रख देती हूँ तो दूध फट जाता है। तो इस तरह करके यहाँ पर मैंने देखिए अभी कढ़ाई चढ़ाई हूँ, अभी मैं मलाई को निकालूँगी इससे, मलाई से, और अभी ही लगे हाथ इसको घी बना लूँगी। इतना सोच कर मैंने कढ़ाई वगैरह सब चढ़ा दिया है। लेकिन बात है क्या कि बहुत ज़बरदस्ती काम करना पड़ता है। हाउस हेल्पर तो आती हैं लेकिन वो एक बार आती हैं, एक बार करके जाती हैं, तो क्या फिर दिन भर क्या काम नहीं होता। और ये देखिए इतनी मलाई इसमें से निकल गई है, क्योंकि घी जो मेरे ससुर साहब भिजवाए हैं वो घी मैंने पिछली बार बाबू को खिलाया था, तभी उसकी डाउन हो गई थी। मुझे लगा मैं घर में ही निकाल लूँ, तो यहाँ पर मैंने सोचा कि पहले मैं इस मलाई को निकालूँ। कल से ही सोच रही हूँ कि यहाँ पर जब तक दूध होगा तब तक मैं ये सारा आम छील लूँगी। आम का भी गुड़म्बा आज ही सोचा था मैं बनाऊँगी, लेकिन कब मुझे क्या होगा कहना मुश्किल है। तो यहाँ पर मलाई से निकल गया है, ये पूरा मलाई से घी की का प्रोसेस चालू हो गया। उधर आप देख रहे हैं दही की कढ़ाई रखी हुई है, जो कि अभी मैंने दिया है जमने के लिए। उसके बाद तो मैं आराम करने चली गई थी, उसके बाद मैं आई हूँ। लगभग शाम के 3-4 बज रहे हैं, 4-4:30 के आसपास, तो इस काम में मैं लग गई। और उसके बाद लगे हाथ में स्लैब्स को भी पूछते ही रहती हूँ ताकि आप लोगों को पता है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आ गई। मैं बहुत दिनों से, कम से कम 5-7 दिनों से सब पूछ रही थी कि जो मसाला का पॉट रखा हुआ है। सोचिए मैं फरवरी में घर चली गई थी, 5 फरवरी को मैके, और फिर आई हूँ। कब आई हूँ? मैं आई हूँ लास्ट 31 मार्च को, तब से, और अभी अप्रैल लास्ट हो गया, तब से सोचिए वो मसाला का डब्बा इतना गंदा लगता था मुझे। और ना मैं नहीं चाहती हूँ कि छोटा छोटा काम मैं हाउस हेल्पर को करने दूँ, जिससे कि उनको लगे कि सारा काम मुझसे ही करवाती है। और जब मैं करने में सक्षम रहती हूँ जो काम, तो मुझे लगता है मैं ये काम खुद कर लूँ। तो वो बर्तन भी धो के लगा देती हैं, उनको बहुत दया आती है मुझे देख के। लेकिन जब मैं देखती हूँ, मैं अभी चाय चढ़ाई हूँ, तो वो धोती हैं और मैं लगा देती हूँ, तो इससे वो काफ़ी खुश होती है और कुछ एक्स्ट्रा काम करके मेरे लिए जाती है। जैसे बेडशीट ठीक कर देती है, सोफ़ा का कवर ठीक कर देती है। तो सिर्फ पैसा से हम किसी से काम नहीं करवा सकते हैं डियर, व्यवहार भी बहुत मायने रखता है। और यहाँ पर मैं एक एक पार्ट को इसको अलग करके और जितना भी सामान है डब्बे में सबको पेपर में रखूँगी। और अभी तक मैं बिल्कुल शांति से काम कर रही थी और ठंडे पानी में सर्फ डाला था। उसके बाद फिर ये देखेंगे सॉसपैन रखा हुआ है, तो थोड़ा गर्म पानी भी डाल दिया ताकि अच्छे से साफ कर लूँ, बहुत दिनों से गंदा पड़ा था। और मूवी देख रही थी, शायद दबंग चल रहा था मूवी, तो वो देख रही हूँ मैं। बस इतना काम करके और सारे डब्बे को एक एक करके धो के मैंने सूखने के लिए डाला ही था। और उसके बाद फिर मेरा जो बेटा है वो उठ के आ गया है, और चूँकि नीचे बैठ के या कहीं बैठ के मैं कर नहीं पाती हूँ, तो धीरे धीरे सोचती हूँ एक एक काम को निपटाते चलो। फ्रिज के ऊपर भी जहाँ आप नहीं देखिएगा वहीं मैसी हो जाएगा, वो काफ़ी गंदा था, तो मैंने सोचा कि साफ़ कर लूँ। और यहाँ देखिए मैंने सारे डब्बे को धोकर इस तरह से उल्टाया था, और यहाँ पे देखेंगे उठ के सारा काली मिर्च गिरा दिया।
जितना कागज़ में और भी जो मसाला हम बंधा था, अच्छा हुआ मैंने देख लेना, तो ये तो सब मिला देता। तब फिर मैंने इसको काम दिया है कि आप उठा के रखिए, तो खेल खेल के उठा रहा है ढक्कन से, सो के उठा, और यही काम करना है। परेशान तो बहुत करता है, लेकिन वही है थोड़ा डांट उठ के कंट्रोल करती हूँ, मारती तो मैं नहीं हूँ। जब बहुत ज़्यादा कर देता है तब ये इसको मार लगता है, तो मारती नहीं। बहुत प्यारा बच्चा है ये, देखिए कुछ इसको मिला तो मुझे दिखा रहा है, ये मुझे मिला है। तो यहाँ पर करते करते, इतना करते करते आप 10 मिनट के अंदर बहुत कुछ देख रहे हैं, लेकिन आप सोच रहे होंगे, आप सोच सकते हैं कि मैं लगातार लगी हुई हूँ किचन का उतना काम यहाँ का, और बिल्कुल शाम हो गया क्योंकि मैं थोड़ा बैठ बैठ के करती हूँ। 7:30 सब बज गया, तो यहाँ पर फ्रिज पे जितना भी एक्स्ट्रा सामान था सारा सामान मैंने हटा दिया। इस दौरान जो है फ्रिज पर लिक्विड सिंदूर भी रखा था, मैंने देखा नहीं, गिर गया नीचे, वो भी फट के बिखर गया, तो उसको भी मुझे साफ़ करना पड़ा। एक काम करने गई तो दूसरे काम में चक्कर लग गया, और फिर उसको साफ़ किया। उसके बाद यहाँ पर मैंने फ्रिज को अच्छे से पोंछ दिया, और एक नया अखबार रख दूँगी, और इस पर मैंने सोच लिया कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ अब मैं नहीं रखूँगी इस मसाला पॉट के अलावा, क्योंकि एकदम बिल्कुल मैसी हो जाता है, भर जाता है। तो यहाँ पर मैंने सारे डब्बे में मसाला कर लिया है, सारे डब्बे सूखे, और फिर उसमें मैंने मसाला किया, और फिर यहाँ पर मैं फ्रिज पर रख दूँगी। तो मेरा बेटा बोला मैं उठा के ला रहा हूँ, तो इस पर रख दूँगी। उसके बाद वो, उस घर की हालत बहुत ही ख़राब है, कुछ पुराने मसाले थे कस्तूरी मेथी सब जो कि ख़राब हो गया था, और नीचे में गंदगी हुई है, पानी वानी गिर गया है, इतना डब्बा साफ वगैरह किया तो काफ़ी गंदा हो गया है। तो अब उस रूम को साफ़ कर लेंगे थोड़ा सा, और जो भी मसाला था सबको मैंने इस तरह से इसमें रख दिया। कुछ नए मसाले भी भर दिए जिससे कि काफ़ी अच्छा लगने लगा देखने में। पहले टीवी यहीं पर रखा करती थी, लेकिन बाद में उस रूम में टीवी रखा। यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम है, आप यहाँ ड्रिल नहीं कर सकते हैं, वहाँ नहीं कर सकते हैं, और यहाँ पर मैंने इस रूम को ठीक कर दिया। वो वीडियो शूट नहीं हो पाया, पूरे झाड़ू लगाया, बेड झाड़ा, बेड से ठीक किया, और फिर जो कालीन बिछा दिया, और यहाँ पर फिर बाबू का भी पैर हाथ मुँह धोकर बाबू को लाई, और मैं भी पैर हाथ मुँह धोकर यहाँ पर आराम से बैठ के फिर बाबू एप्पल लाया, तो दोनों मिलकर खाने लगे थे बैठकर। तो उसके बाद फिर किचन चलेंगे, और वो जो मलाई निकाले थे वहाँ पे फ्रिज में उसको रख दिए हैं, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो उससे थोड़ा ज़्यादा अच्छा से और अच्छे से निकलेगा। अब यहाँ पर मैं बैठी हूँ, मुझे बहुत राहत मिल रही है। मुझे चाय और के साथ रस खाने का मन कर रहा था, चाय पीने का भी मन कर रहा था, लेकिन मेरे अंदर बनाने का हिम्मत नहीं था, इसलिए मैंने कैंसिल कर दिया। और यहाँ पर सेब दोनों मिलके खाएंगे बैठ के। तो डियर वही मैं बोल रही थी कि सब्जी सब इसके लिए लिया, तो वही मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि उनको समझना चाहिए कि जब डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं 2-3 दिन का 4 दिन का चक्कर लगेगा, तो फिर रुकेंगे तो ये कैसे बना के देगी, जबकि मेरे देवर नहीं लगेंगे। मैं कोई काम उनको कह सकती हूँ, मेरे जेठ हैं। मैंने कहा ठीक है, 1-2 दिन आएंगे, ठीक है मैं कर देती हूँ, और लेकिन मैं 3-4 दिन तक बना के नहीं खिला पाऊँगी, रोटी भी मैं नहीं बना पाती हूँ। इतनी घटिया सोच मेरी नहीं है, शुरू से अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा, जब मेरे ससुर आते थे, सास आती थी, देवर आते थे, तो मैं इतना करती थी, मेरे हस्बैंड बोलते थे जैसे लगता है कोई बाहरी लोग आ रहा है, इतना क्यों करती हो। और ये देखिए इस तरह से नेनू इतना सा है, तो मैं बोलती थी क्योंकि मुझे आदत है पूरा चीज़ ठीक ठाक करना, हमेशा समेटना। अगर शुरू से आप लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो देखते होंगे, अभी मेरा शरीर ही नहीं चल रहा है, इसी बात पे वो बोलने लगे कि क्या मतलब मेरा पूरा कोई परिवार नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। एक मिनट के लिए एकदम भूल गए कि पत्नी कुछ होती ही नहीं है, और मैं इतना घटिया सोच नहीं रखती हूँ कोई मेरे घर नहीं आए। मैं तो खुद बनाने खिलाने का शौकीन हूँ। अभी 3-4 दिन पहले का आपने वीडियो देखा होगा, मेरे देवर आए थे, मैंने कितना कुछ बनाया था, हिम्मत नहीं था मेरे अंदर, लेकिन फिर भी बनाया था। अब 2 लोग हैं जो मेरे जेठ के लड़के हैं, वो भी 24-25 साल के हैं, अब 2 लोग वो हो गए, 2 लोग हम लोग हो गए। आप समझिए, आप 4 दिन जो रुकेगा तो मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, बिल्कुल होगी, सोचने वाली बात है, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी। तो यही बात मैंने कही, मेरे हस्बैंड को अच्छा नहीं लगा, मैंने कहा ऐसा नहीं है, इतना घटिया सोच मैं नहीं रखती हूँ, ठीक है कल वो आएंगे, सुबह दही चूड़ा और चना वगैरह उनको नाश्ता दूँगी, फिर देखती हूँ क्या खाना बनता है, और जो कि आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ही, और उसके बाद फिर देखती हूँ कैसे क्या होता है, डॉक्टर क्या बोलते हैं क्या नहीं। ईश्वर से प्रार्थना है मेरी कि प्रॉब्लम ये है कि उनकी आँखों में दिक्कत है, जौत का जो लड़का है, जो जेठ के लड़का है, आँखों में दिक्कत है, तो भगवान करे सब कुछ ठीक ठाक रहे। और चूँकि मेरे हस्बैंड की का पहुँच है तो वो अच्छे डॉक्टर से दिखा देंगे, इसीलिए आ रहे हैं। प्रार्थना है सब कुछ ठीक ठाक रहे, तो जो भी होगा जैसा होगा अगले वीडियो में अपडेट करूँगी मैं। और जब तक यहाँ पर घी बनेगा तब तक मैंने आम को काट लिया है, और मैंने सोचा था कि बना लूँगी अभी ही आम का, लेकिन दिन भर मैंने इतना काम किया कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी,
बहुत ही ज़्यादा, इसीलिए मैं नहीं बना पाई। इसके बाद मैंने सब्जी और रोटी किसी तरह बनाया और रात का इस तरह से काम कंप्लीट हो गया, क्योंकि लगातार दिन भर कर रही थी। डियर, जो भी चैनल पे नया है, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपना कमेंट शेयर करिएगा। आज की ब्लॉग को मैं यहाँ पर एंड करती हूँ और मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले ब्लॉग में। बताती हूँ क्या अपडेट है, क्या है, उन डॉक्टर ने क्या कहा, वो लोग आए या नहीं आए या क्या हुआ। और जो दिन में ही आटा मिला के रखा था उसी का रोटी बना लूँगी मैं, और कुछ सब्जी बना लूँगी, घी बनेगा। तो काम करते करते तो परेशान हो ही जाती हूँ, लेकिन ये तो करना ही पड़ेगा, औरत हूँ तो। तो चलिए डियर, मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले ब्लॉग में, बने रहिए इस चैनल के साथ। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। बाय बाय डियर।